everyone, welcome back to Shipraj Vai. Jai Shri Krishna. और आज है जन्माष्टमी, तो अभी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं. कल हम लोग जन्माष्टमी है तो ठाकुर जी के लिए नई ड्रेसेस वगैरह सब लेकर के आए थे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ. कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया जन्माष्टमी को लेकर. मैंने सोचा एक ही व्लॉग में आपको ठाकुर जी की जो ड्रेसेस वगैरह है वो भी दिखा दूंगी और जन्माष्टमी का ब्लॉग जो है वो एक साथ ही शेयर कर दूंगी. तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं जन्माष्टमी के लिए. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झांकी सजाने की तैयारी चल रही है. हालांकि इस बार हम बहुत ही नॉर्मल सी झांकी सजा रहे हैं, बस शगुन की जो झांकी होती है ना वो सजा रहे हैं, क्योंकि अथक के जो छोटे छोटे टॉयज वगैरह है ना वो सब नीचे वाले घर में रखे हुए हैं, तो फिर वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो अभी मेरे पास जितने भी छोटे छोटे टॉयज वगैरह थे उसी से हमने भगवान के लिए झांकी सजा दी है, क्योंकि जन्माष्टमी हो और झांकी ना सजे ये तो हो नहीं सकता. तो हमने बस नॉर्मल सी छोटी सी झांकी सजा दी है. और यहाँ पर जो है अथक नहाकर आ गया है, क्योंकि ठाकुर जी को जो स्नान वगैरह कराएगा ना तो आज अथक ही कराएगा. और ये देखिए कल जो मैं ड्रेसेस वगैरह लेकर आई थी ना, तो ये सारी ड्रेसेस हैं. और ये मुकुट सेट वगैरह जो है ठाकुर जी का, और ये जो है साफा लेके आई थी मैं ठाकुर जी के लिए, और ये बाल ठाकुर जी के. तो ये सारा सामान हम लोग कल लेकर आ गए थे. तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान करवाया जाएगा. तो ठाकुर जी को वैसे तो कहा जाता है कि पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए, जैसे दूध दही घी शहद वगैरह से, बट पंचामृत के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने दूध और जल मिलाकर ठाकुर जी को स्नान करवा दिया है हमने मतलब. और अब ठाकुर जी को अथक टावल से पहुँच रहा है. उसके बाद ठाकुर जी को नई नई ड्रेस पहनाई जाएगी, ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा. तो ये देखिए आज सारा जो ठाकुर जी का श्रृंगार है ना वो अथक ने किया है. ये ठाकुर जी के बाल भी लग गए, ठाकुर जी को माला भी पहना दी है, और ये देखिए बांसुरी भी लगा दी है ठाकुर जी के पास. और यहाँ पर ठाकुर जी को मैंने चढ़ा दी है फूलों की माला, क्योंकि फूलों की माला के बिना ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो अधूरा लगेगा. तो यहाँ पर फूलों की माला भी चढ़ा दी है, साथ ही साथ गणेश जी को भी माला पहनाऊंगी. और ये देखिए हमारी जो झांकी है ना वो पूरी अच्छे से अब सज चुकी है. तो अब आप ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए और साथ ही साथ झांकी भी देख लीजिए. मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. झांकी सजाने के बाद मैं यहाँ पर अथक का कर रही हूँ मेकअप, और अथक को मैं बना रही हूँ कृष्ण भगवान. तो क्योंकि अथक ने एक ऑनलाइन हम कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, हमारी जो कास्ट है हमारे समाज का एक कॉम्पिटिशन है बच्चों का, 10 साल की एज तक के बच्चों का, तो उसमें जो है अथक को कृष्ण भगवान बनना है. तो बस उसी के लिए मैं अथक का मेकअप कर रही हूँ, उसे कृष्ण भगवान बना रही हूँ. तो उसे एक कुर्ता और धोती मैंने पहना दिया है. धोती भी मैंने उसकी दुपट्टे से बनाई है, क्योंकि कल मार्केट गए तो धोती हमें मिली नहीं थी, ओनली मुकुट ही मिला था. तो ये देखिए साथ साथ अथक की मस्ती भी चलती रहती है. तो बस मेरी पूरी कोशिश थी कि उसे पूरा लुक मैं कृष्ण भगवान की तरह ही दूं. तो आप बताना पूरा मैं इसे अच्छे से तैयार कर दूं, फिर आप लोग देख के बताना अथक कैसा लग रहा था और अथक का मेकअप मैंने कैसा किया. तो ये देखिए अथक अच्छे से रेडी हो चुका है, और अथक भी अब भगवान की पूजा करेगा. तो हमने सोचा पहले इसे अच्छे से तैयार कर देते हैं, उसके बाद ही इससे पूजा करवाएंगे. तो यहाँ पर अब अथक पूजा कर रहा है. और बच्चों से भी हमें, मैं हमेशा कहती हूँ पूजा करवानी चाहिए, सभी पूजा में जो है बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं वैसे आगे चलकर इन लोगों को भी अपने बच्चों को सिखाना है, अपने कल्चर को बताना है, संस्कृति को बताना है.
और पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। फलाहार या सागार जो भी इसे बोलते हैं, आलू के चिप्स हो गए, साबूदाना के पापड़ हो गए, तो ये सारी चीज़ें तल रही हूँ क्योंकि लगभग यहाँ पर 11:30 का टाइम हो चुका था और हमने मॉर्निंग में सिर्फ एक एक कप चाय ही ली थी। तो बस ये तल लूँगी, फिर भगवान को भोग लगा कर फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत ये फलाहार वगैरह कर लेंगे। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है और मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि मुझे 2 से 3 आइटम बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे पहले ही, तो अब इनको मैं छील रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू बॉन्डे। तो यहाँ पर सारी तैयारी भी मैंने पहले से कर रखी है, बैटर भी मैंने बना के रख लिया था और अब ये जो है आलू बॉन्डे फटाफट तल लूँगी। उसके बाद मुझे सब्जी पूड़ी वगैरह भी बनानी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही, फिर भी 3 से 4 आइटम बनाऊँगी तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि फिर रात को घूमने भी जाना है, टाइम पास नहीं होता क्योंकि 12 बजे व्रत खोला जाता है ना, तो फिर झांकी वगैरह देखने चले जाते हैं जिससे हमारा टाइम भी पास हो जाता है। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू बॉन्डे भी बन चुके हैं और इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्जी पूड़ी। सब्जी भी मैं बनाऊँगी, आलू की लथपथ वाली सब्जी बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी। और रायते के लिए देखिए मैंने नमकीन बूंदियां भी बनाकर रख ली हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, खाना वगैरह मेरा सब बन चुका है और लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं झांकी देखने के लिए। हमारे यहाँ पर झांकी सस्ती है मंदिरों में बीकानेर में, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। देखते हैं इस बार कितने मंदिरों में झांकी सजी है। अगर सजी झांकी किसी मंदिर में तो आपको वीडियो के जरिए जरूर दिखाऊंगी झांकी। और अभी मैंने खाना मतलब जो है भगवान को चढ़ा भी दिया है, सारा खाना मैंने क्या क्या बनाया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए खाना भी दिखा देती हूँ, फिर मिलेंगे डायरेक्ट मंदिर में या झांकी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारा खाना बनकर रेडी है, भोग की सारी तैयारी हो चुकी है, सब्जी पूरी आलू बॉन्डे रायता मिठाई और चॉकलेट्स भी मैंने ठाकुर जी के लिए रखनी है। तो ये देखिए ये है हमारा आज का भोग और इसके बाद बस निकल जाएंगे झांकी देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर आ चुके हैं, ये है ग्रेजुएट हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पर हमेशा बहुत सुंदर झांकी सजती है लेकिन इस बार नहीं सजी है, बस भगवान का श्रृंगार किया है और इसके जस्ट पास जो राम मंदिर है उसमें थोड़ी बहुत झांकी सजी है। तो वो झांकी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, पहले आप भगवान के दर्शन कर लीजिए फिर झांकी के भी दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सांगलपुरा में, हमारे यहाँ पर माता का मंदिर है, इस मंदिर में खूब सारे मंदिर हैं एक साथ और ये जो मंदिर है वो सेना के द्वारा मतलब इसकी देखरेख की जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है। तो भगवान के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर भी कुछ झांकी वगैरह तो ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह हो रखी थी, नहीं तो हर बार तो झांकी वगैरह भी सस्ती। आजा।
और माता के मंदिर से आगे चलकर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी हमेशा छोटी सी झांकी सजती है। तो हर बार हम यहाँ पर आते हैं अथक को लेकर, तो यहाँ पर भी छोटी सी झांकी सजी हुई थी, तो हमने सोचा चलो अथक को छोटी सी झांकी दिखाते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए कंस बना हुआ है, यहाँ पर ठाकुर जी का झूला है, ठाकुर जी हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग घूम कर आ गए हैं। इस बार ज़्यादा कुछ था नहीं, मंदिरों में हल्की फुल्की सजावट थी, अदरवाइज तो हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ सजी हैं मंदिरों में। बट वो ये लास्ट ईयर तो बिल्कुल मंदिर बंद ही थे, और इस बार अभी मंदिर खुले भी हैं तो झांकी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत लाइटिंग है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी झांकी सजा रखी हैं। तो फिर भी मैंने जितना भी दो तीन मंदिरों में हम गए वहाँ पर जितना भी मैंने वीडियो बना सकी कवर कर सकी तो मैंने आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लिप्स ले ली। तो बस फ्रेंड्स अब 10 तो बज चुकी हैं लगभग, और 12 बजे व्रत खोलेंगे क्योंकि 12 बजे ही ठाकुर जी का जन्म होगा, तो 12 बजे ही खाना भी खाया जाएगा, व्रत भी उसी टाइम खोला जाएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जाते जाते एक बार और ठाकुर जी के दर्शन आप लोगों को करवा देती हूँ।